फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DRS फैक्चुअल एजुकेशन की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जुपिटर के ग्रह यूरोपा के बारे में। इस समय पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं पर दो जगह पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक है मंगल, जहां आज बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद भी पूर्व में कभी जीवन है या नहीं, इस बात का कई तरीकों से पड़ताल जारी है। इसके अलावा एक और संभावनाओं वाली जगह है, वह है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा। नए शोध से शोधकर्ताओं का विश्वास बढ़ा है। यूरोपा पर जीवन के अनुकूल परिस्थिति होने की कम्प्लीट स्थितियां मौजूद हैं। नासा के जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि यूरोपा की सतह के अंदर न केवल महासागर है, बल्कि वह कई सारी परतों में भी बटा हुआ है, जिसमें सतह की बर्फ उसके लिए कवच की तरह काम करती है। वर्चुअल गोल्डस्मिथ कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शोध में वैज्ञानिकों को विश्वास है कि यूरोपा की सतह के नीचे जो महासागर है उसमें जीवन हो सकता है। उन्हें इस बात तक के प्रमाण मिले हैं कि यह महासागर ही जीवन के लिए अनुकूल है। शोधकर्ताओं ने गैलीलियो मिशन के आंकड़ों का उपयोग अपने शोध में किया और यूरोपा को कोर सिलिकेट की तरह और सतह के नीचे महासागर के संयोजन और भौतिक गुणों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता नासा के मोहित मेलवानी दसवानी का कहना है कि उनकी टीम ने यूरोपा की अलग अलग गहराई पर कई तरह के तत्वों की खोज की है, जहां विभिन्न तापमान पर पानी और वाष्प होने वाले पदार्थ पाए गए हैं। पर पानी और वाष्प होने वाले पदार्थों की वजह से दसवानी ने कहा कि हमने इन वाष्प होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जो यूरोपा के आंतरिक भाग में आ गए थे। हमने पाया कि वे यूरोपा के महासागर में ही मौजूद होना चाहिए। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक कह चुके हैं कि यूरोपा की सतह पर पाई जाने वाली बर्फ के नीचे एक महासागर होना चाहिए। यह अनुमान वॉयेजर और गैलीलियो अंतरिक्ष यानों में मिले अवलोकनों और आंकड़ों के आधार पर किए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि यूरोपा का यह महासागर कायांतरण से बना होगा। इस प्रक्रिया में तेज गर्मी और दबाव के कारण पानी निकलता है। इसके बाद ज्वारीय गतिविधियों के कारण यह पानी बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि यह महासागर अम्लीय हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम और सल्फेट बहुत ज्यादा मौजूद है। इससे पहले यह माना जा रहा था कि यह महासागर सल्फ्यूरिक होगा, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह दर्शाया कि महासागरों में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी। इस वजह से वे पृथ्वी के महासागरों जैसे ही होंगे। इस आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि यह महासागर भी जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। साइंटिस्ट दसवानी का कहना है कि यूरोपा के आंतरिक परतें बाहरी परतों से ज्यादा घनी है। इससे जाहिर है कि इसने बहुत ज्यादा गर्मी झेली होगी, जिससे कायांतरण प्रक्रिया हो सकी होगी। इसके अलावा इसका धीरे धीरे ठंडा होना और वहाँ तरल पानी होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें गुरु ग्रह का गुरुत्व और उसके आसपास बहुत सारे चंद्रमाओं के होने से यह सुनिश्चित हुआ होगा कि यह पानी तरल ही रहे। इसके अलावा एक मतानुसार यूरोपा के अंतर की रेडियोधर्मी गतिविधियों की वजह से आज भी यह पानी तरल बना रहा होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।